नरेंद्र मोदी सरकार के इतिहास में 8 अगस्त 2024 वो पहली तारीख थी जब सरकार के बिल को मंजूरी नहीं मिली और उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना पड़ा। ये वही तारीख थी जब इतिहास में पहली बार मोदी सरकार को राज्यसभा से अपना बिल वापस लेना पड़ा और इसके साथ ही पहली दूसरी मोदी सरकार और तीसरी मोदी सरकार का अंतर साफ साफ समझ में आ गया। जहां 2014 से 2024 के बीच सरकार कभी झुकी नहीं थी, ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में, लेकिन 2024 में सरकार को लोकसभा में भी झुकना पड़ा और राज्यसभा से तो बिल वापस ही लेना पड़ा। ऐसे में सवाल है कि आखिर उस वक्फ बिल में ऐसा क्या था कि सरकार उसे पास करवा ही नहीं पाई। आखिर ये वक्फ होता क्या है जिसको लेकर सरकार बिल लाई, और आखिर इस्लाम में इस वक्फ का जिक्र आया कहां से है जिसे नियंत्रित करने की कोशिश में मोदी सरकार फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले भारतीय रेलवे, उसके बाद भारतीय सेना और उसके बाद तीसरे नंबर पर इस मुल्क में अगर किसी एक संस्था के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वो है वक्फ बोर्ड। पूरे देश में इतनी जमीन कि अगर उसे एक साथ कर दिया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे कम से कम 3 शहर बसाए जा सकते हैं। कुल करीब 9,40,000 एकड़ जमीन। लेकिन अब इसी वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में जो बिल आया है उसने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, इसके पास इतनी जमीन आई कहाँ से, आजादी के बाद से अब तक इन जमीनों की देखभाल कौन करता है, इन जमीनों से होने वाली आमदनी कहाँ खर्च होती है, और अब मोदी सरकार ने ऐसा क्या बदलाव कर दिया है कि पूरे देश में हंगामा मच गया है। चलिए एक एक करके सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। वक्फ का मतलब क्या है? भारत सरकार की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक वक्फ शब्द की उत्पत्ति अरब जगत के वकूफा शब्द से हुई है। इसका मतलब है पकड़ना, बांधना या हिरासत में लेना। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अगर कोई भी शख्स अपने धर्म की वजह से या फिर अल्लाह की खिदमत करने की नीयत से अपनी जमीन या अपनी संपत्ति का दान करता है तो उसे ही वक्फ कहते हैं। यानी कि इस्लाम में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ है और जिसने दान किया है उसे कहा जाता है वकीफा। लेकिन संपत्ति दान करने की एक शर्त यह होती है कि उस चल या अचल संपत्ति से होने वाली आमदनी को इस्लाम धर्म की खिदमत में ही खर्च किया जा सकता है। और इस खिदमत का मतलब मस्जिद की तामीर करवाना, कब्रिस्तान बनवाना, मदरसे बनवाना, अस्पताल बनवाना और अनाथालय बनवाना है। अगर कोई गैर इस्लामिक शख्स भी अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहे तो वो कर सकता है, बशर्ते वो इस्लाम को मान्यता देता हो और उसकी वक्फ की गई संपत्ति का मकसद भी इस्लाम की खिदमत। इस्लाम में कहां से आया वक्फ का कॉन्सेप्ट? इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट पैगंबर मोहम्मद साहब के ही वक्त से है। भारत सरकार की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन का टुकड़ा अपने कब्जे में लिया और पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा कि इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि इस जमीन को कुछ इस हिसाब से इस्तेमाल करो कि अल्लाह के दिखाए रास्ते के जरिए ये जमीन इंसानों के काम आए। इस जमीन को किसी भी तरह से न तो बेचा जा सके, न ही किसी को तोहफे में दिया जा सके, न ही इस पर किसी तरह से तुम्हारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियां काबिज हो सके। इसके अलावा एक और मान्यता है कि 570 ईसा पूर्व मदीना में खजूरों का एक बड़ा बाग था। इसमें करीब 600 पेड़, उनसे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल मदीना के गरीब लोगों की मदद के लिए किया जाता था। इन्हीं को वक्फ का शुरुआती उदाहरण माना जाता है। मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी और मोरक्को की अल कुरायसीन यूनिवर्सिटी वक्फ संपत्ति पर बने सबसे पुराने संस्थान माने जाते हैं। भारत में कैसे शुरू हुआ वक्फ का कॉन्सेप्ट? भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सन 1173 के आसपास सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए थे और यहीं से भारत में वक्फ परंपरा की शुरुआत हुई। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान वक्फ को खारिज कर दिया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में बाकायदा कानून बनाकर वक्फ परंपरा को बरकरार रखा गया। सबसे पहले संसद ने 1954 में कानून बनाया, फिर उसमें संशोधन हुआ और 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने कानून में तब्दीली की और आखिरी बार साल 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में इतने बड़े बदलाव हुए कि वक्फ बोर्ड के पास अथाह ताकत आ गई और वहीं से परेशानी की शुरुआत हो गई। वक्फ संपत्ति की देखरेख कौन करता है? पूरे देश में फैली वक्फ संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी होती है
वक्फ बोर्ड पर, और ये वक्फ बोर्ड भारत की संसद के कानून के तहत बनाया गया है। 1954 में भारतीय संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसके तहत वक्फ की गई संपत्तियों की देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के पास आ गई। बाकी वक्फ बोर्ड के पास अभी जो इतनी बड़ी संपत्ति है कि वो तीन तीन दिल्ली बना ले, वो संपत्ति भारत पाकिस्तान बंटवारे की वजह से है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम लोग अपनी चल संपत्ति तो कुछ ले गए, लेकिन अचल संपत्ति यानी कि उनके घर, मकान, खेत, खलिहान, दुकान सब यहीं रह गए। और तब 1954 में कानून बनाकर इस तरह की सभी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। वक्फ बोर्ड बनाने के अगले ही साल यानी कि 1955 में संसद ने एक और कानून बनाया और इसके तहत देश के हरेक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार मिल गया। फिर 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ, जिसका मकसद राज्यों के वक्फ बोर्ड को सलाह मशविरा देना था। लेकिन भारत में भी इस्लाम को मानने वाले दो बड़े धड़े हैं, एक धड़ा शिया समुदाय का है तो दूसरा धड़ा सुन्नी समुदाय का। तो वक्फ बोर्ड में शिया और सुन्नी के नाम पर भी बंटवारा हुआ और इस्लाम को मानने वाली इन दोनों ही परंपराओं के लोगों ने अपना अपना वक्फ बोर्ड यानी कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड बना लिया। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शिया और सुन्नी के वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। पूरे देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड में होता कौन कौन है? भारत की संसद के बनाए कानून के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सबसे ऊपर केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं, और इस लिहाज से अभी देखें तो वक्फ बोर्ड में सबसे ऊपर हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। दूसरे नंबर पर वक्फ के डायरेक्टर होते हैं, तो केंद्र सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, अभी एसपी सिंह तेवतिया वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा बोर्ड में 8 और सदस्य होते हैं, लेकिन अभी केंद्रीय वक्फ बोर्ड में इन सभी 8 लोगों की जगह खाली है। राज्यों के वक्फ बोर्ड में कौन कौन होता है? अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड में सबसे ऊपर चेयरमैन होता है। उसके अलावा सेक्रेटरी के स्तर का एक आईएएस अधिकारी होता है जो एक तरह से उस वक्फ बोर्ड का सीईओ होता है। बाकी संपत्तियों का लेखा जोखा रखने के लिए एक सर्वे कमिश्नर होता है। बाकी 2 सदस्यों को उस राज्य की सरकार मनोनीत करती है, जिनमें एक मुस्लिम सांसद और एक मुस्लिम विधायक होता है। बाकी उस बोर्ड का राज्य स्तर पर एक वकील होता है, एक टाउन प्लानर होता है और एक मुस्लिम बुद्धिजीवी होते हैं। वक्फ बोर्ड के पास कितनी ताकत है? वक्फ बोर्ड के पास अथाह ताकत होती है। वक्फ की सारी संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी बोर्ड की होती है। कितनी आमदनी हुई, उसे कहाँ खर्च करना है, ये सब तय वक्फ बोर्ड ही करता है। किसकी संपत्ति वक्फ को लेनी है, संपत्ति किसको ट्रांसफ़र करनी है, संपत्ति का इस्तेमाल क्या करना है, ये सब वक्फ बोर्ड ही तय करता है। अगर एक बार संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास आ गई तो उसे वापस नहीं किया जा सकता है। ये संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए वक्फ की ही हो जाती है और इसको लेकर देश की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि कोई भी संपत्ति इस्लामिक कानूनों के मुताबिक वक्फ की है तो वक्फ की वो हो जाती है। अगर उस ज़मीन पर किसी का दावा है तो दावा किसी अदालत में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सामने ही करना पड़ता है, ट्रिब्यूनल में ही करना पड़ता है, और अंतिम फैसले का अधिकार भी वक्फ बोर्ड का ही होता है। अगर हिंदू या कहिए कि गैर इस्लामिक शख्स की ज़मीन पर भी अगर वक्फ अपना दावा करे तो उस शख्स को वक्फ के पास जाकर ही ये साबित करना होता है कि ज़मीन उसकी है, वक्फ की नहीं। हालांकि वक्फ बोर्ड खुद भी ऐसी ज़मीन पर दावा कर सकता है जो 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले वक्फ के नाम पर दर्ज हो या फिर 1954 में भारत सरकार की ओर से वक्फ को दे दी गई हो। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें उसके खिलाफ भी अगर कोई बात हो तो उस पर फैसला उसे ही करना होता है, देश की कोई दूसरी अदालत उस मसले पर फैसला नहीं कर सकती। मोदी सरकार के नए कानून में क्या बदलाव प्रस्तावित है? मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जो बिल संसद में पेश किया था उसमें वक्फ बोर्ड की असीमित ताकतों को सीमित करने का प्रावधान किया गया था। उदाहरण के तौर पर अब वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड का सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकता है। अब वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाना अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करने से पहले उस दावे का वेरिफिकेशन करना होगा। अभी तक मस्जिद या इस तरह की कोई भी धार्मिक इमारत बने होने पर वो ज़मीन वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब मस्जिद बने होने के बावजूद उस ज़मीन का वेरिफिकेशन करवाना ही होगा। भारत सरकार की CAG के पास ये अधिकार होगा कि वो वक्फ बोर्ड का ऑडिट कर सके। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करवाना होगा ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच की जा सके।
जिन लोगों ने 12 साल से वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है वो उस संशोधन विधेयक के आधार पर उस जमीन के मालिक बन सकते हैं। वक्फ को ऐसा व्यक्ति अपनी जमीन दान कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो, साथ ही जो जमीन वो वक्फ को दान करना चाहता है उस पर उसका मालिकाना हक होना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों पर दावेदारी के मसले को भारत की अदालत में चुनौती दी जा सकेगी और अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि अदालत का मानेगा। विपक्ष को सरकार के बिल पर एतराज क्यों है? इस बिल के विरोध में लगभग पूरा विपक्ष एक साथ है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, शरद पवार की NCP हो, ममता बनर्जी के TMC हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सब ने इस प्रस्तावित बिल का विरोध किया है और सभी विपक्षी दलों का मानना यही है कि बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति पर अपना कब्जा करना चाहती है। ओवैसी ने इसे धर्म में हस्तक्षेप बताया है और कहा है कि सरकार मुस्लिमों के दुश्मन है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर एतराज जताया है। वहीं DMK की ओर से कनिमोझी का कहना है कि बिल सिर्फ मुस्लिम तबके को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। विपक्ष के और भी तमाम दलों के तर्क कुछ यूं ही मिलते जुलते हैं कि अब इस बिल का भविष्य क्या होगा। तो विपक्ष के विरोध को देखते हुए इस बिल को खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने JPC को भेजने का प्रस्ताव रखा है, यानी कि अब इस बिल की खूबियों और खामियों को देखने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें सभी दल के सदस्य होंगे और उसके सिफारिशों के आधार पर ये तय होगा कि अब इस बिल का भविष्य क्या है। बाकी राज्यसभा से सरकार ने अभी बिल वापस ले लिया है, जब लोकसभा से बिल पास होगा तो वो राज्यसभा में भी आएगा, लेकिन तब तक के लिए करना होगा इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।